अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का गोवा में शुभारंभ हो गया है। इस अवसर पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि फिल्म फेस्टिवल में एक नया बाजार फिल्मों को उपलब्ध होगा। देश और दुनिया की बड़ी फिल्में यहां दिखाई जाएंगी। अमृत महोत्सव काल में जब भारत की फिल्मों की चर्चा हो तो दुनिया को ये दिखना चाहिए कि हमारे यहां टैलेंटेड कलाकार, अच्छी तकनीक, अनुभवी निर्माता और भारत में अच्छी लोकेशन सब उपस्थित है। मैं पहले तो सबका स्वागत करता हूं एशिया के सबसे बड़े फिल्म फेस्टिवल का, जो हर वर्ष गोवा में होता है। 53rd एडिशन है और बहुत कुछ नया है इसमें। नया फिल्म बाजार है जहां देश और दुनिया की फिल्मों को ट्रेड किया जा सकता है। एक ऐसा अवसर है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना है जहां पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों का, राष्ट्रीय फिल्मों का वर्ल्ड प्रीमियर हो रहा है और यही नहीं, ओटीटी सीरीज का भी वर्ल्ड प्रीमियर यहां पर हो रहा है। तो एक ऐसा मंच बना जहां टेक्नोलॉजी को लेकर हम दुनिया को दिखा सकते हैं कि भारत कैसे अग्रणी है इस क्षेत्र में। और अगर मैं कुल मिलाकर कहूं भारत को, दैट इंडिया शुड बी द कंटेंट हब ऑफ द वर्ल्ड, उसके लिए क्या चाहिए? आपको टैलेंटेड मैन पावर चाहिए, आपको टेक्नोलॉजी ड्रिवन लोग चाहिए, आपको एक्सपीरियंस्ड फिल्म मेकर चाहिए, फिल्म शूटिंग के लिए बहुत अच्छी लोकेशन चाहिए। तो को प्रोडक्शन के भी बहुत ऑप्शन हैं, पोस्ट प्रोडक्शन के यहां पर पहले भारत ने बहुत अच्छा काम किया है। और मुझे लगता है कि जो हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ये अमृत महोत्सव से लेकर अमृत काल का समय, यानी कि जब भारत 100 साल मना रहा होगा तब देश को कैसे देखा जाए। तब विश्व का केवल भारत सबसे बड़ी फिल्म बनाने वाला ही नहीं, सबसे बड़ा बाजार, सबसे बड़ा फेस्टिवल करने वाला और दुनिया का एक ऐसा केंद्र बिंदु हो जहां लगे कि भारत के बिना फिल्मी दुनिया अधूरी है। एक्चुअली जेन्युइनली इंडिया, वी बीन पुट ऑन द ग्लोबल मैप। यू नो, जब ऐसा एक फिल्म बाजार बनता है यहाँ पे, जिस द 53rd इफी जो हो रहा है यहाँ पे, तो इतना बड़ा मंच है हमारे सारे कलाकारों के लिए, हमारे सारे निर्देशकों के लिए। और छोटे से शहर से, छोटे से नगर से कोई निर्देशक आ सकता है, कोई कहानी लेके आ सकता है और वो बड़ा बन सकता है। जैसे सर ने कहा, हमारा रीजनल सिनेमा अब इंटरनेशनल होता जा रहा है। मौका सबको मिल रहा है और जितने साल जाते रहेंगे शायद नए नए प्लेटफॉर्म्स आते रहेंगे और ज्यादा लोग आपको यंग टैलेंट दिखाई देगा। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल द टैलेंट एंड द फिल्म्स। Along the long, 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 the